नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बस्तर फिल्म की ट्रेलर रिव्यू में आपका स्वागत है। बस्तर बहुत ही साहसिक फिल्म है, ट्रेलर से लग रहा है। ये जो विपुल अमृत शाह और सुदीप्त सेन जिन्होंने केरला स्टोरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी हमें, और कितनी हकीकत वहाँ पे दिखाई गई है बहुत ही बेबाकी से, तो एक बार से फिर से उनका ये सराहनीय प्रयास है, हिम्मत भरा प्रयास है। अदा शर्मा का बहुत ही बेहतरीन रोल है, जबरदस्त उनकी एक्टिंग यहाँ पे नजर आएगी। पुलिस ऑफिसर के रोल में या कमांडो के रोल में, सैन्य ऑफिसर कुछ भी आप बोल लीजिए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रोल है। नक्सलियों ने किस प्रकार से पूरे देश में आतंक फैलाया है, किस प्रकार से हजारों निर्दोष लोगों को मारा है, किस प्रकार से हमारे भारतीय सैनिकों की जान लिए उन्होंने, उनको शहीद किया है, उनको कुत्ते कहकर के बुला रहे एक सीन में वो। और दोस्तों, बड़ी ही दर्दनाक मार्मिक की कहानी है, और किस प्रकार से हर घर से एक बच्चा उनको चाहिए जिनको उनको नक्सली बनाना है, इन सब के बारे में फिल्म बात करती है। नेताओं का क्या रोल रहा है, नेताओं को और ये नक्सलियों को कौन सपोर्ट कर रहा है, क्यों मतलब ये देश में लाल आतंक तक फैलाना चाहते हैं, इन सब के बारे में ये फिल्म बड़ी बेबाकी से बात करेगी, बहुत ही मत से बात करेगी। और मुझे बड़ा अच्छा इसका ट्रेलर लगा, विजुअल्स जिस प्रकार से इसको फिल्माया गया, लोकेशंस बहुत ही बेहतरीन है, डायलॉग दमदार है, और अदा शर्मा क्या क्या रोल है, क्या जबरदस्त उनकी एक्टिंग है। बहुत ही रियल फिल्म लग रही है, बहुत ही वास्तविक फिल्म लग रही है, और देश की आंखें खोलने वाली फिल्म होगी कि किस प्रकार से हम लोगों ने, मतलब जिन लोगों ने इन लोगों को मतलब सपोर्ट किया है नक्सलियों को। एक सीन में नेता पूछते भी है अदा शर्मा से कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो अदा शर्मा कहती आप ही जिम्मेदार इसके। तो बहुत ही हिम्मत भरा काम, बहुत ही बेबाकी से ये फिल्म बनाई गई है। जो लोग नक्सलियों को महिमा मंडित करते हैं, नक्सलियों का सपोर्ट करते हैं, लाल आतंक को बढ़ावा देते हैं, उनके विरुद्ध ये फिल्म बनाई गई है। तो मुझे ये काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट लगा है। दोस्तों, 15 मार्च को ये फिल्म रिलीज हो रही है, और जितने आतंकवादी, जितने हमारे सैनिक है वो भारत पाकिस्तान चाइना युद्ध में नहीं मारे गए, उससे ज़्यादा नक्सली हमलों में मारा गया है, ऐसा इस ट्रेलर में बताया गया है। तो एक बहुत ही मतलब एक जबरदस्त ये फिल्म होगी। हकीकत अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप में हकीकत सुनने की हिम्मत है नक्सलियों के बारे में, तो डेफिनेटली ये फिल्म सबको पसंद आएगी। और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला, वर्ड ऑफ माउथ मिला, तो फिर ये बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर सकती है। 15 मार्च को रिलीज हो रही है, और इसका क्लेश होगा योद्धा फिल्म से, देखते हैं किस प्रकार रिस्पांस करती है फिल्म। लेकिन ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है, मैं मेकर्स को डेफिनेटली मतलब सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बहुत ही हिम्मत के साथ, बेबाकी के साथ बनाई है। और अदा शर्मा उनकी क्या कहना, क्या उनकी एक्टिंग है, क्या दमदार उनका रोल होने वाला है, मजा आएगा दोस्तों इस फिल्म को देख करके, और आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो 4 स्टार आउट ऑफ 5 डेफिनेटली इस फिल्म को मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोले नाथ।